भक्त पद रज, भक्त चरणामृत और भक्त उच्छिष्ट बड़े भाग्यशाली को मिलते हैं। त्रिभुवन में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है जिसे भक्तों का संग मिले? सुत दारा धन लक्ष्मी पापियु के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। बड़े भाग्यशाली जिनको संत चरण रज मिलती है और संत उच्छिष्ट मिलता है और संत चरणामृत मिलता है, उनके भाग्य की क्या सराहना। पर वो समझे, भगवत कृपा को समझे तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए। इन तीनों का बहुत बड़ा महात्मा है। कैसा भी नीच स्वभाव वाला क्यों न हो, यदि ये तीनों प्राप्त हो जाए तो तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ले। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ले। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जो तीनों लोकों को प्राप्त कर रहे, भक्त चरण रज सेवी, भक्त चरणामृत पान करने वाला और भक्त उच्छिष्ट पाने वाला, इन तीनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसमें साधन बल काम नहीं करता। तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने के लिए कृपा काम करे। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सचमुच सचमुच वो हरि के बड़े कृपा पात्र हैं जिनको इन तीनों में श्रद्धा हो गई और तीनों ये जिनको प्राप्त होते हैं। जिनकी बुद्धि में संतों के प्रति हेय भाव है, उनकी चरण रज में भाव नहीं, उनके उच्छिष्ट में भाव नहीं, उनके चरणामृत में भाव नहीं, उनकी तो यहां चर्चा ही नहीं है। भगवत स्वरूप, भगवत भक्तों की पद धूली उनके चिन्हों से उठाकर मस्तक पर जिसने लगा लिया, उसको वो प्रेम वो सामर्थ्य प्राप्त होती है जो किसी साधन से नहीं मिलती है। जब हिरण्यकश्यप बहुत क्रुद्ध होकर के प्रह्लाद जी को पटक दिया और कहा तेरी बुद्धि किसने की ऐसी, तो प्रह्लाद जी ने जो उत्तर दिया बहुत समझने लायक है। उन्होंने कहा नैसाम मतिस्ताव दुरुक्रमांग्रिम इस पर सत्य अनर्थापगमो यदर्थ महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। दैत्यराज, कितनी हिम्मत है पांच वर्ष के बालक में। त्रिभुवनपति पिता हिरण्यकश्यप को कहे दैत्यराज, जिन्होंने सब कुछ श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया है, अकिंचन है हरि के सिवा, जिनके हृदय में कहीं कोई आश्रय बल भरोसा नहीं है, ऐसे भक्त जनों की चरण रज सेवन करने से ऐसी मति होती है। ऐसी मति किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होती, किसी साधना से नहीं होती, जो मेरी मति हुई है। ये मही असाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। अकिंचन उन्हें कहते हैं, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न हो, भगवान के सिवा जिसका कोई आस बल भरोसा नहीं, वो अकिंचन कहा जाता है। अगर अपने एक लंगोटी और कमंडल में भी आ सकती है तो अकिंचन नहीं कहा जाएगा। केवल एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, उसी को अकिंचन कहते हैं, जो केवल प्रभु में। ऐसे महापुरुषों की चरण रज से ऐसी मति होती है, किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होती। नैसाम मतिस्ताव दुरुक्रमांगिम इस पर सत्यानर्थापगमो यदर्था। जब तक ऐसे महापुरुषों की चरण रज का स्पर्श नहीं होता, तब तक ऐसी जैसी मेरी मति है प्रह्लाद जी कह रहे ऐसी नहीं होती। तो जो भगवत स्वरूप समझ करके भक्तों की पद धूलि को अपने शरीर पर लगाता है, ये बड़े सौभाग्य का विषय होता है। ये वृंदावन सब भक्तों की चरण धूलि है। अनंत भक्त हो गए गोपी जनों से लेकर सब, बड़े भाग्यशाली हैं जो रज का सेवन करते हैं। और जो भक्त का चरणामृत पीते हैं, कहां ढूंढोगे भक्त का चरणामृत? राधा कुंड, मानसी गंगा, मान सरोवर, ये सब भक्तों के अवगाहन किए हुए कुंड हैं, बहुत सनातन से हैं। इनका आचमन मतलब लाखों भक्तों का चरणामृत। इनकी समानता कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। मानसी गंगा, राधा कुंड, मानसरोवर, अप्सरा कुंड, उद्धव कुंड, जो हमारे ब्रजमंडल के कुंड है, इनकी समानता।
बड़े बड़े महाभागवत प्रियालाल के प्रेम में डूबे हुए अवगाहन करते हैं और वो चरणामृत पान रख लो, दो बूंद ले लो, दो बूंद ले लो, राधा कुंड का जल मानसो, ये सब संत चरण अमृत है पक्का समझ लो। और उच्छिष्टामृत कहां से लें? रोज भक्त की जूठन किसी महान सौभाग्यशाली को मिलती है, ऐसे थोड़ी मिलती। तो ये जो राधा राधा बोल रहे ना, ये उच्छिष्टामृत है। जीवन में जो स्वाद लिया वही बोल रहे, यही है, ये भक्तों के द्वारा स्वाद लिया हुआ है, इसका पान करो। वो उच्छिष्ट तो कहां सबको थोड़ी मिल रहा है, कभी ऐसा। ये उच्छिष्ट सबको मिल रहा है, उस उच्छिष्ट का फल है। इस उच्छिष्ट में रति हो जाए, अगर इसमें नहीं हुई तो क्या फायदा है? फायदा क्या? महाप्रसाद, भगवन नाम, वैष्णवों में भगवत भाव, श्री विग्रह में साक्षात भगवान का स्वरूप, चरणामृत में भाव, ये पहचान है कि आखिरी जन्म है इसका। जिसके हृदय में इसकी श्रद्धा हो जाए, भक्तों में भगवत भाव, चरणामृत में श्रद्धा, उच्छिष्ट में श्रद्धा, चरण रज में श्रद्धा और श्री विग्रह में साक्षात मेरे प्रभु हैं, तो पहचान है कि उसका हृदय अब अंतिम जन्म की तरफ जा रहा है, उसका जन्म नहीं होगा, जिसको इस पर विश्वास है। महापुरुषों को पहचानना बड़ा कठिन है। कह रहे दूध पीने वाले बनावटी मजनू तो लाखों मिलेंगे, लेकिन असली मजनू जो कटोरा भर खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। या भाव ये कि एक बार लैला ने सुना कि मजनू हमारे प्रेम में बावरा ना खा रहा है ना पी रहा है, तो वो तो बहुत ऐश्वर्य संपन्न घर की थी, तो उन्होंने पूरी बाजार में ऐलान करवा दिया, मजनू जो भी खाए पिए उसको जो बाजार में पाए हमारे पास आवे सारा हिसाब हम देंगे। ये ऐलान जब सुना तो लाखों मजनू तैयार हो गए, कोई जलेबी पा रहा है, कोई दही पा रहा है, तो हर दुकान से हजारों लाखों का बिल और ऐसे सैकड़ों दुकानों से, वो तो आदेश कर दिया था सबका हिसाब हो जाता। एक दिन प्रार्थना की खजांची ने कि करोड़ों रुपया जा रहे हैं महीने में मजनू की सेवा में, तो उन्होंने कहा मजनू और करोड़ों रुपया, अरे वो विरह में कुछ खा ही नहीं सकता तो कैसे करोड़ों रुपया। बोले लाखों मजनू तैयार हो गए हैं, ठीक है असली मजनू की पहचान कल हो जाएगी। बोलो लैला मिलना चाहती है मजनू से अमुक मंच पर, अब तो जो देख भी नहीं पाते थे वो भी जो मजनू बने हुए रबड़ी रसगुल्ला वाले मजनू थे वो सब आ गए। चाकू निकाली और कहा मेरा मजनू मेरे लिए छाती का खून दे, जितने रबड़ी रसगुल्ला वाले थे कदम पीछे सरकने लगे और जो असली मजनू था वो आया और ऐसे हाथ से चाकू ली और कहा आज मेरा जीना सार्थक हो गया क्योंकि तुम्हारे किसी काम में आ गया। और जो ऐसे मारने किया पकड़ लिया, कहा असली मजनू ये। तो वहां कह रहे कि दूध और रबड़ी पीने वाले तो लाखों मजनू तैयार हो जाते हैं, लेकिन असली मजनू जो एक कटोरा खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। ऐसे ही कह रहे कि रबड़ी रसगुल्ला खाना, प्रणाम नमस्कार करना, भेंट लेना लाखों भगत, लेकिन भगवान के लिए जीवन अर्पित करने वाला, भगवान के लिए तड़पने वाला, भगवान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला, ऐसा तो कोई बिरला ही प्रेमी होता है। ऐसा भक्त ईश्वर के से भी बढ़कर है। सातों सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। एक भक्त प्रवर कालिदास जी हुए हैं जो इसी कोटि के महापुरुष थे। अद्वितीय भक्त निष्ठा उनकी थी। भगवत निष्ठा अद्वितीय उसी की मानी जाती है जो भक्त निष्ठा होती है। भक्त निष्ठा वाला भगवन निष्ठ जरूर होगा और भगवन निष्ठा वाला भक्त निष्ठ जरूर होगा। कालिदास जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के गांव से 150 कोस दूर रहते थे, उसी कुल के थे और ठीक वैसे ही भक्ति थी जैसे पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी की। भगवान नाम में इनकी इतनी निष्ठा थी कालिदास जी की,
उठते बैठते सोते जागते खेलते हंसते बात करते हर समय इनकी जिभ्या पे नाम चलता रहता। अगर ये कुछ बोलते तो पहले नाम बोलते फिर चर्चा करते। देखो प्रायः सत्संग में कहा है कि अगर आप नाम जापक उपासक हो तो चिंता मत करो, पर आपको जब बात करनी तो पहले धीरे से बोलो राधा, फिर बात करो, बीच में फिर बोलो राधा, फिर जब बात का विश्राम करो राधा। अगर इतनी सावधानी रखोगे तो पूरी बात जो आपने की वो भजन हो जाएगा आपका। कोई कार्य प्रारंभ करें राधा, कार्य के बीच में बोलो राधा राधा, कार्य के समापन में बोलो राधा, और वो कार्य समर्पित वो भगवत प्राप्ति करा देगा। आप बात को पकड़िए। वो किसी बात को बोलने के पहले नाम बोलते थे, वो भगवत नाम के बिना तो बोल ही नहीं सकते थे, पहले बोलते थे राधा। ये भक्ति की पहचान है। विभीषण जी जब उठे तो राम राम राम, हनुमान जी ने राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा, ये सनहट करी हो पहचानी साधु ते होए लका। ये संत है क्योंकि सो के एकदम उठते हुए बोला राम राम, ये भक्त का लक्षण है। ऐसा सबको करना चाहिए। नींद खुले तो पहले भगवान नाम उच्चारण करते हुए ही पृथ्वी को प्रणाम करके पैर रखना चाहिए। अद्भुत नाम निष्ठा थी कालिदास जी की, बिना नाम के वो बात ही नहीं करते थे, पहले नाम उच्चारण। और ये नाम उच्चारण, नाम में प्रीति कहां से प्राप्त हुई, बहुत सूक्ष्म बात है। इनकी भक्तों में बहुत बड़ी प्रीति थी, इसी से इनको नाम में इतनी प्रीति हुई। अब आजकल कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसको किसी भक्त की प्रशंसा सुन के ईर्ष्या ना होती हो, जबकि हमारी भक्ति का स्वरूप यह है कि किसी को सुने कि वो नाम जप कर रहा है, उसका बड़ा यश हो रहा है, वो ऐसा है, तो हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए कि इनकी चरण रज माथे पे लगाएं, कभी इनका जूठन मिल जाए, कभी इनका चरणामृत मिल जाए। ये भक्तों की बात थी। हमारे अंदर क्या होता है, अहम प्रधान होता है तो लगता है क्या है, इतना हुआ क्या हुआ, वो उससे मात्सर्य ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। ये भगवत विरोधी वार्ता है, अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए। जहां वो सुनते कि अमुक जगह भक्त बहुत नाम जापक हैं, तो बहुत धनी थे पर साधारण वेश में छुप करके जाते कि बिल्कुल ऐसे दीन गरीब ही बन करके, और उनकी सेवा करते। भक्तों को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाने में उन्हें परमानंद का अनुभव प्राप्त होता। और ऐसा सिद्धांत भी है कि जैसे गर्भवती माँ को भोजन पवाओ तो बच्चे को अपने आप पहुंच जाता है, ऐसे हृदय में हृदयस्थ विराजमान भक्तों के प्रभु हैं, तो भक्तों को पवाओ तो प्रभु का अपने आप भोग लग जाता है। भक्तों के मुख से प्रभु बहुत आनंद पूर्वक पाते हैं। भक्तों को जब श्रद्धा पूर्वक सुस्वाद प्रसाद पवाया जाता है तो उसके स्वाद का अनुभव स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भक्तों को जब पवाया जाता है, भगवान को अपने भोग लगाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना संतों के भोग लगाने से होती। इसी बात को एक भक्त ने पकड़ लिया और संतों को पवाना शुरू किया श्रद्धा से। अब उनके पास एक सीमित अर्थव्यवस्था थी। अगर संतों को पता है कि बहुत श्रद्धा पूर्वक यहां प्रसाद पवाया जाता है तो बिना बुलाए भी कृपा करके आने लगते हैं। वहां खूब संतों का आगमन होता और बनवा के पवाते, धीरे धीरे संपत्ति राधे श्याम। अष्ट धातु के ठाकुर जी थे तो ठाकुर जी की जितनी सेवा पात्र थे स्वर्ण चांदी के जो थे सब बेचकर संत को पवा दिया। ठाकुर जी से कहा कल अगर संत आए व्यवस्था नहीं हुई तो सरकार आपको बाजार में ले जाएंगे हम, वो आपको बेच देंगे, क्योंकि संत भूखे नहीं जाएंगे, वापस ही रह गए वो हमारी संपत्ति। भगवान ने कहा कि हमारे संबंध से तो संतों को बस, आप संतों के पाने से प्रसन्न होते हैं ये मैंने सुना है, आप अपने भोग लगाने से उतना प्रसन्न नहीं होते, तो अब कल संत आएंगे अगर उनके भोग की व्यवस्था नहीं हुई तो तैयार रहना, हम आपको बाजार में बेच देंगे,
भगवान हंस दिए और कहा जो संतों की सेवा करता है उसके यहाँ ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती, और जरा सा उनका कृपा कटाक्ष कुल परंपरागत लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित हो गई। तो जो श्रद्धा पूर्वक भक्तों को सुस्वाद पदार्थ प्रसाद पवाते हैं, भगवान भक्तों की जिभ्या से पान करते हैं। भगवान को स्वयं भोग लगाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना संत और भक्तों को पवाने से होती है। भक्तों को खिलाकर और उनका किसी भी तरह से उच्छिष्ट पाना, ये इनका स्वभाव था कालिदास जी का, इसीलिए इनके निरंतर नाम चलता था। अब जैसे कोई भक्त उच्छिष्ट देने के लिए तैयार नहीं होते, वो तो बड़े कृपा करते हैं तब उच्छिष्ट देते हैं, तो वो सावधानी रखते थे, कहीं भी तो पात्र धो के फेंकेंगे, वहां से जल ले लेना, अगर चूक हो गई तो पात्र में से हाथ करके बस कर लेना, वो अपने पात्र लेके गए चाट लेना। उच्छिष्ट का भाव, निरंतर नाम जापक, भक्त चरणामृत भक्त पद धूलि तो लगाते ही और उच्छिष्ट पाने के लिए भक्त सेवा करते। इनका और बड़े बड़े महापुरुषों का कथन है कि योग से यज्ञ से तप से पाठ से अध्ययन से और साधना अभ्यास से प्रेम प्रकट नहीं होता, वो प्रेम प्रकट होता ही है भक्त चरण रज भक्त चरणामृत भक्त उच्छिष्ट से। अब इनको पता चला कि एक झा नाम के चतुर्वर्ण के भक्त हैं जो एकांत में रहते खूब नाम जप करते हैं, पति पत्नी दोनों नाम कीर्तन करते हैं और गांव में सेवा करके एक एक रोटी जो मिलती उससे अपना, अब इनको लालच लगा, ये प्रभु से प्रार्थना की कि ऐसे भक्त का उच्छिष्ट प्रभु कैसे मिले, हमें उपाय बताओ, क्योंकि हम जाएंगे तो वो तत्काल सम्मान प्रदर्शित करेंगे और सम्मान प्रदर्शित करेंगे तो उच्छिष्ट नहीं मिल पाएगा उनका। भगवान से प्रार्थना की, तत्काल युक्ति आई साधारण वेश में, और उस समय आम का समय था तो बड़े बड़े आम लेकर के घर गए। प्रतिष्ठित कुलोद्भूत कालिदास को देखकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में वो दंपत्ति तो आश्चर्यचकित हो गए, हाथ जोड़कर कांपते हुए कि भगवान आपके लायक हमारे घर में बैठने योग्य जगह भी नहीं है, हाथ जोड़कर अभ्यर्थना करने लगे। उनका नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, हम तो बस आपसे ऐसे मिलने बात करने आए हैं। एक फटा सा बोरा पड़ा था उसी में कालिदास जो महान भागवत तो बैठ गए, वो हाथ जोड़े प्रभु आप यहाँ ये स्थान आपके बैठने लायक भी नहीं, और झा भक्त उनको कहते थे आपने बड़ी कृपा की आप यहाँ आए लेकिन ये आपके योग्य नहीं, आप इतने महान मैं इतना नीच, आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष हम जैसे नीचों के यहां आएंगे तो आपका उपहास होगा, प्रभु आपको पता नहीं मैं नीच हूं धनहीन हूं, प्रभु आपको यहां बैठना ठीक नहीं, कोई देख लेगा तो आपकी निंदा करेगा। कालिदास जी ने कहा कि आपको पता है आपके शुभ दर्शनों से हमें श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो रहा है, देखिएगा, और आज मैं आपको उस भाव से देख रहा हूं कि त्रिभुवन में आप जैसा कोई सत्कार पाने योग्य नहीं है, जिसकी जिभ्या पे भगवान नाम और इतनी दैन्यता, अहोबत सुपचतो गरीयान यद जिभ्या के वर्तते नाम तुभ्यम, यदि आप हमारा कुछ भी सम्मान करना चाहते हैं तो अब आप हाथ जोड़ना बंद कर दें, हमारे सामने हाथ मत जोड़े, और आप एक कृपा करें आप दोनों अपने चरण धोए हमें चरणामृत दे दे, क्योंकि हमें धोने तो देंगे नहीं। और उन्होंने कहा कृष्ण 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 आप ये क्या बोल रहे हैं महाराज, आप गिड़गिड़ाते हुए झा भक्त ने कहा प्रभु ये कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे, आपको पता है मैं कौन हूं, मैं सब तरह से हीन हूं, मेरा
दर्शन और स्पर्श भी अमंगलमय है। धन्य है यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई और उनके चरणों में गिरने लगे। कालिदास जी ने अपने चरण समेटे और कहा देखो अतिथि का सत्कार करना चाहिए। इतना आपको पता है? उन्होंने कहा हाँ प्रभु पता है। तो फिर एक बात करो, मैं आ रहा था रास्ते में आम देखा, आप ठाकुर जी को अपने भोग लगाओ आम का और आप दोनों पावर मैं ये देखूं, ये मेरा सबसे बड़ा सत्कार हो जाएगा। भक्त ने कहा मालिक आप कैसी बात करते, मैं पाऊं और आप बैठे, आप हमारे यहां आए हैं। उन्होंने कहा देखो यदि आप मुझे बड़ा मानते हैं और पूजनीय मानते हैं तो आप मेरी बात भी तो मानिए किसी भी तरह से। देखो अगर थोड़ी भी प्रीति आपकी हम में है तो मेरी ये बात मान लो। वो भक्त बहुत दयनीय हो रहे हैं। यहां कालिदास जी कह रहे हैं जो अपने भक्ति का विज्ञापन करता है, जो भक्ति की दुकानदारी करता है, भक्ति के नाम पर पूजा प्रतिष्ठा और अर्थ की प्राप्ति करता है, वो आप जैसे अकिंचन भक्तों को कैसे जान पाएगा। अहंकार रहित, साधना के बल से रहित, केवल प्रभु के नाम और प्रभु के आश्रित आप जैसे निर्मल भक्तों का संग तो केवल हेतु की कृपा से होता है। आप सच्ची मानिए त्रिभुवन को पावन करने वाले हैं, आप अपने को नीच मत कहिए। जब कालिदास जी दयनीय होकर ऐसी बात करने लगे भक्त ने आम ले लिए, प्रणाम किया और कहा मैं आपके सामने पा तो नहीं सकता, पक्का वचन है कि आपके जाते ही मैं भोग लगाऊंगा पर आपके सामने नहीं पा पाऊंगा क्योंकि आप बैठे हमारे घर में आकर और हम पाले। कालिदास जी ने विचार किया सब किया कराया माटी हो रहा है, हमको उच्छिष्ट तो इनका मिलेगा नहीं जूठन। फिर विचार किया कि अभी से लेके शाम तक फेंकेंगे ही ना पाके आम, मैं पेड़ की आड़ में बैठा रहूंगा, जब फेंकेंगे तब मैं निकल लूंगा प्रसाद लेके। कैसी उच्छिष्टामृत के प्रति निष्ठा। चल दिए पति पत्नी 10-20 कदम घर के बाहर तक छोड़ा। कालिदास जी जे ही अपने घर गए सो लौट पड़े और दरवाजे के पास एक वृक्ष था उसकी ओट में छुप के बैठ गए। अब वो दोनों जो 10 कदम चल के आए थे उनके जो चरण चिन्ह थे अपने अचला में चरण रज बांधे, ये है कीमती अमोघ वस्तु, कोई भाग्यशाली ही इस अमोघ वस्तु का सेवन कर पाता है। चरण रज बांधे एक चीज तो मिली भक्तों की चरण रज। संपूर्ण धूल उठाकर फिर अपने शरीर पे लगाई। अब वो अपनी पत्नी से बात कर रहे कि देखो इतने महाभागवत कालिदास जी ये अमनिया लाए हैं आम का, चलो ठाकुर जी को भोग लगाओ और प्रसाद पाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो, ये श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराएंगे आम क्योंकि इतने बड़े महाभागवत चल कर लाए हैं। पति की आज्ञा हुई, पत्नी ने आम को उठाया अमनिया किया धो करके और ठाकुर जी को भोग लगाया और वो एक एक गुठली चूस चूस के पारे भगवान को अर्पित की हुई भक्त के द्वारा लाई हुई पाया। पत्नी ने फिर वो आम के छिलके और वो चूसी हुई गुठली बाहर जाकर के पेड़ के पास ही फेंक, वो छुपे बैठे थे। भगवान वैसा ही भक्त के जीवन में करते जैसी उसकी चाह होती, फेंक के चली गई। कालिदास जी बहुत प्रसन्न हुए, ओहो हरि की अपार कृपा, एक एक छिलका चाट रहे, एक एक गुठली चाट रहे हैं। आप विचार कीजिए एक उच्च कुल का एक महाभागवत, एक ऐसे दैन्य महाभागवत की गुठली चाट रहा है किस लिए?
इनका उच्छिष्ट मुझे नाम में प्रीति करा देगा, और नाम के प्रेमी हैं। जैसे जैसे वो उच्छिष्ट पा रहे हैं वैसे वैसे उनको रोमांच हो रहा है, वैसे वैसे भगवान का नाम जैसे मशीन में चलाया जाए ऐसे चल रहा है नाम, अश्रु प्रवाह हो रहा है। यहां वर्णन कर रहे हैं कि जो भक्त चरण रज का सेवन, भक्त उच्छिष्टामृत का सेवन और भक्त चरणामृत का सेवन करता है उसका अहंकार गलित हो जाता है।